नमस्कार। जीवन का एक चौथाई सिद्धांत आपको सक्सेस बना सकता है? जी हाँ, ये कहते हैं वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल को आज कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया में इनका नाम चलता है माइनिंग के सेक्टर में। इनके जो माइनिंग ये करते हैं ना, एशिया में नंबर वन इनकी माइंस आती है। आज अनिल अग्रवाल जाना पहचाना नाम है। ये कहते हैं कि अगर मैं सक्सेस हुआ तो मैंने जीवन के एक चौथाई सिद्धांत का मैंने पालन किया है। और वो जीवन का एक चौथाई सिद्धांत क्या है, आज अपन जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज वो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। और उनकी कंपनी वेदांता भारत की पहली कंपनी थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई, यूके में पहली कंपनी भारत की। देखिए आप, तो आखिर उनके एक चौथाई सिद्धांत क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे। एक बार अनिल अग्रवाल खुद इंटरव्यू में बताते हैं कि वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गए थे, वो ब्रिटेन में अपना बिजनेस जमाने के लिए ब्रिटेन गए, वहाँ पे 5-6 महीने रहे, ब्रिटेन का माहौल देखा, सब कुछ देखा। वहाँ पे एक कंपनी थी ड्यूराट्यूब, उस वक्त वो कंपनी दिवालिया हो गई थी, उस कंपनी को वो खरीदना चाह रहे थे और वो बैंक से फंडिंग भी लेना चाह रहे थे, वहीं से यूके ब्रिटेन के बैंक से, HSBC बैंक से। अब वाकया देखिए आप, जब वो बैंकर और अनिल अग्रवाल मिले तो अनिल अग्रवाल की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो बैंकर और अनिल अग्रवाल एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और अनिल अग्रवाल को फंडिंग नहीं मिली ब्रिटेन में और वो ड्यूराट्यूब कंपनी खरीद नहीं पाए। अनिल अग्रवाल को लगा कि यार कि नहीं यार, मैं इंग्लिश नहीं है और मैं इस वजह से मैं आज मेरी डील कैंसिल हो गई। तो उन्होंने उस वक्त जीवन का एक चौथाई सिद्धांत अपनाया। मतलब वो कहते हैं कि जीवन का मतलब आपकी जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने के लिए अपना एक चौथाई समय उस कमजोरी को दीजिए। वो वहां पर बिजनेस भी करते रहे और अपना कम से कम 2 घंटा रोज वो डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहे और सीखते रहे। वो कहते हैं कि जब धीरे 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 आप कोई आदत बनाते हो ना, कोई आप कोई कार्य करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, आप उसके आदि बन जाते हो। और वो कहता है कि मैंने कभी मिस नहीं किया अपने इस काम को, रोज अपना एक चौथाई समय उस इंग्लिश सीखने में देता मैं। हो सकता किसी दिन मैं बिजनेस के मामले में बिजी होता और वो नहीं सीख पाता तो मैं दूसरे दिन ज्यादा समय, डबल समय उस इंग्लिश सीखने को देता। और एक समय ऐसा आया कि अनिल अग्रवाल पूरी तरह से इंग्लिश में परफेक्ट हो गए और अगेन वापिस HSBC बैंकर से डील की उन्होंने और अच्छी इंग्लिश में बोले और वो जो दिवालिया कंपनी थी उसके लिए उन्होंने फंडिंग जुटाई और वो ड्यूराट्यूब कंपनी खरीद ली। इसके लिए वो कहते हैं कि मैंने जीवन का एक चौथाई सिद्धांत पाला और मैंने अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए वो एक चौथाई समय दिया। जीवन में आप भी कोई भी वर्क करते हो या कुछ भी करते हो, आपको असफलता मिलती है या आप किसी चीज में कमजोर हो, कोई वीकनेस हो, तो डेली अपना कुछ समय उस वीकनेस को दूर करने के लिए निकालें। धीरे 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 थोड़ी आपको मुश्किलें आएगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको ट्रबल महसूस होगी, लेकिन एक दिन वो आदत बन जाएगी, उस कार्य को आपको रोज करने में मजा आएगा और धीरे धीरे जो आपकी वीकनेस है ना वो दूर हो जाएगी अगर आप डेली टाइम दोगे तो। अनिल अग्रवाल यही कहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन उस कमियों को दूर करने के लिए रोज आप कुछ न कुछ समय दें। अगर आप रोज उस कमी को दूर करने के लिए समय देंगे ना तो वो कमी एक दिन आपके अंदर से रिमूव हो जाएगी और आप परफेक्ट बन जाओगे किसी भी कार्य में। वो कहते हैं कि जब भी आपको कोई वीकनेस लगे, जब भी आपके अंदर कोई कमजोरी लगे, तो एक चौथाई समय अपना उस वीकनेस को दूर करने के लिए दें, डेली दें और उस वीकनेस को दूर करें। यही सिद्धांत रहा है अनिल अग्रवाल का। और इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है ना,
तो अपनी जो भी कमजोरी है ना उसको एक चौथाई समय दे उस कमजोरी को दूर करने के लिए रोज डेली, वो कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे।